ओम नमः शिवाय, मृत्युंजय माधव, नमस्ते, ओम नमः शिवाय। अरे मम्मी, विनोद चाचा ने पेटीएम खरीद लिया। मम्मी पेटीएम है, पाउच नहीं है जो कोई भी खरीद लेगा। मीम है वो यार। मतलब मेरा व्हाट्सएप पे भी आया, उन्होंने खरीद लिया। होगा पैसा तो खरीद लिया, पैसा होता इंसान खरीद लेता। कोई समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मीम है वो, मीम। मीम चल रहा है विनोद वाला। ये मीम क्या होता है, क्या मतलब क्या होता है इसका? मीम मतलब जोक जैसा ही होता है, मतलब इंटरनेट इंटरनेट है ना, जैसे आपके फ़ोन में नहीं है, मेरे फ़ोन में है, ठीक है, नहीं आपके में भी है ना, पापा ने दिए था आपको, तो उसमें कोई चीज़ बहुत फ़नी होती है, कोई चीज़ बहुत फ़नी लगती है, जैसे जोक होता है वो सबको फ़नी लगने लगता है, तो वो ट्रेंड करने लगता है। ट्रेंड करने लगता है मतलब जैसे अखबार में आपकी हेडलाइन बन जाती है ना, जैसे फ्रंट पेज, वैसे इंटरनेट पे वो फ्रंट पेज पे आ जाता है, मतलब आप समझिए। तो उसमें विनोद ने क्या किया, पेटीएम खरीद लिया तो वो मीम बन गया है? अरे मतलब देखो, YouTube है, YouTube आपको पता नहीं, YouTube आप देखते ना वीडियो है ना, तो YouTube के नीचे कमेंट आते हैं ना, कमेंट, आप जैसे आप किसी को दवाई बताते हो होम्योपैथी की, तो आपको आप पूछते हो ना कि असर किया कि नहीं किया, वैसे कोई वीडियो डालता है तो उसके नीचे कमेंट में उसको पब्लिक बताती है कि कैसा लगा, ठीक है, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी, ठीक है। तो उसमें विनोद नाम का लड़का था जो हर वीडियो के नीचे विनोद विनोद लिख देता था, ठीक है, तो वो सबको बहुत फनी लगा कि वो हर चीज़ के नीचे जाके विनोद लिख देता है, तो फनी है ना ये कि कोई हर चीज़ के नीचे जाके अपना नाम लिख देता है। नहीं आया समझ में, नहीं आया, विनोद लिख दिया वो फनी लगने लगा कैसे? छोड़ो ना, जाने दो ना, वो हम लोग को फनी लगता है, हम लोग की बात है। वाह बेटा, हमने भी जाने दिया होता तो तुम तो रोड पार करना सीख गए होते, फिर सिखाया ना हमने तुमको, हम पूछ रहे हैं हमको जवाब दो। सोचो ना, फनी है ना ये कि हर कोई एक वीडियो के नीचे कमेंट में अपना नाम ही नाम लिखा जा रहा है, कितना फनी है ये। तो मेरे को एक छोटी सी बात बताना बेटा, जैसे मैं जाके नीचे अभी YouTube पर लिख दूँ रमा शंकर रमा शंकर रमा शंकर, तो मैं मीम बन जाऊंगा ना? सही में भी विनोद चाचा ने पेटीएम खरीद लिया है। मैं आता हूँ दादाजी।